वो डिसाइड कर लेती हैं कि वो अब एक्टिंग करने वाली है, मुझे लगता है कि हर कोई साइड हट जाता है, बिकॉज उनसे पंगा लेना और उनका मुकाबला करना इस बॉलीवुड में तो मुमकिन ही नहीं है. आई डेफिनेटली वॉन्ट टू सी हर इन हॉलीवुड एंड आई नो द हॉलीवुड स्टार आर ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रेंडिंग विद हर अपीयरेंस. बट Tabbu, यू आर हियर, सम वर्ड्स फॉर द ब्यूटीफुल किड्स राइट हियर बिकॉज दे रियली लुक अप टू यू. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग. कैसे आप लोग? देखिए, इतनी तारीफ की मेरी इन्होंने, ये बोलना भूल गई कि मैं वर्सोवा की ही हूँ रहने वाली, इसलिए मुझमें इतनी सब अच्छी क्वालिटीज आ गई. ये तो मेरा एरिया है, सेवन बंगलोज. नाउ आई एम इन लोकेट वाला, बट ऑफ कोर्स दिस इज माय एरिया, दैट्स व्हाई आई एम हियर. एंड मैं अजीत जी को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि 35 साल ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है. इसका मतलब है कि इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव कितनी स्ट्रांग है, इसके स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा रिजल्ट दिया होगा कि स्कूल का रेपुटेशन इतना स्ट्रांग हो गया है. और मैं बहुत खुश हूँ आज आके अलका जी के खूबसूरत गाने सुने, आप लोगों का इतना एंथुजियाज्म देखा, गानों के साथ सबका डांस भी देखा, सब पकड़े गए. और गुलशन जी भी हमारे साथ है. और मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ, सारे एस्टैब्लिशमेंट को और स्टूडेंट्स को. और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जो भी बने, चाहे आप अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन अच्छे इंसान बनना बहुत ज़रूरी है. और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई मतलब आप यू कांट एक्सचेंज इट विद बीइंग एनीथिंग. सो वी मस्ट फोकस ऑन बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग्स. आई एम श्योर दिस स्कूल इज ट्रेनिंग यू टू बी दैट. So I congratulate Children's Welfare Center, High School and everybody and the parents especially for working so hard on your children's education. It's the best thing that you can give to a child is good education. Thank you very much for having me here. It's been a pleasure and an honor. I hope I come here again. We're truly looking forward to see you here again and again. Well now, ladies and gentlemen and the super kids here, who is the Batman? Can I hear it? Who is the Batman? Well, he is the one जिन्होंने हर हीरो को चुप करा दिया है. जब उनकी एंट्री होती है ना स्क्रीन पर, तो आई थिंक नजरें सिर्फ उनके ऊपर रहती हैं देखने के लिए कि अब ये बैटमैन क्या करने वाले हैं. Well, the star in his own right, the star who actually has ruled the cinema for a very long time, he is still ruling it. This is the Batman. Gulshan Rawa. Thank you very much for such a warm introduction. आप सभी को नमस्कार. जैसे मेरी मित्र तब्बू ने कहा, 35 साल इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इस प्रकार की तरक्की का मतलब है कि इसकी फाउंडेशन, इसका काम न सिर्फ स्ट्रांग है बल्कि काबिले तारीफ है. आप सभी को, इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए सभी लोगों को, और खासतौर पर जैसे तब्बू ने कहा कि पेरेंट्स को भी ढेरों बधाई, शुभकामनाएं फॉर मेकिंग दिस एजुकेशनल सेलिब्रेशन सो ह्यूज. मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे मेरी मित्र ने बहुत तारीफ की, बैटमैन, लेकिन इसके पीछे एक पढ़ा लिखा इंसान है. दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एमकॉम की मैंने. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 98% मार्क्स आर रिक्वायर्ड. दिस ईयर इट रिक्वायर्स 100% मार्क्स टू गेट एडमिटेड इन टू श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. आई हैड 98% मार्क्स डिस्टिंक्शन इन 5 सब्जेक्ट्स एंड देन आई वेंट टू श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, स्टडीड बीकॉम, स्टडीड एमकॉम फ्रॉम देयर एंड देन आई केम हियर टू बॉलीवुड टू एक्ट इन फिल्म्स. तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रोफेशन में,
किसी भी चीज में आगे बढ़ना चाहें, अगर आपकी फाउंडेशन पढ़ाई की अच्छी है तो आपको कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं आएगी. एंड यू विल ऑल्सो फाइंड न्यूअर वेज ऑफ न्यूअर इन्वेंशन, न्यूअर वेज ऑफ लुकिंग एट योर प्रोफेशन बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ योर एजुकेशन. हमारा प्रेजेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली, वो भी श्रीराम कॉलेज से हैं. तो मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई, नाउ दैट यू आर हियर टू स्टडी, पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू योर पढ़ाई, एंड आफ्टर दैट परस्यू ऑल योर इंटरेस्ट. जो भी आपका शौक है, जो भी आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसे ज़रूर परस्यू करें, बट पढ़ाई साथ में करें. लेक्चर स्पीच बंद, बस सिर्फ इतना ही. और एक खुशखबरी भी शेयर करना चाहता हूँ. मैं मुझे परमिशन तो नहीं, सभी लोग प्यार से अफेक्शन से मुझे कहते हैं बैटमैन. अब एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है बैटमैन और मैं उसमें नायक हूँ. ये खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ. धन्यवाद. तो उस फिल्म में ये गुड मैन. थैंक यू टब्बू जी, थैंक यू गुलशन.